हाई एवरी वन वेलकम बैक टू माई चैनल टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस एम सी क्यू ऑन द टॉपिक लिविंग वर्ल्ड सो फर्स्ट क्वेश्चन इज एडेफोलॉजी इज एडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल इट इज द स्टडी ऑफ सॉइल और सॉइल का की रिलेशन किसके साथ कल्टिवेशन के साथ उसको हम एडेफोलॉजी बोलते हैं तो एक बार ऑप्शन देखते हैं स्टडी ऑफ एलिफेंट स्टडी ऑफ एलिफेंट्स बोला जाता है मेमिलोलॉजी को मैमॉजी और स्टडी ऑफ एम्फीबियंस बोला जाता है हरपेटोलॉजी को हर को और स्टडी ऑफ स्नेक्स बोला जाता है सरपेंटोलॉजी को सो वी गेट टू नो कि बीच जो सोयल की स्टडी उसको एडेफोलॉजी बोला जाता है स्टडी ऑफ एलिफेंट्स को मेमोलॉज मैमोलोलॉजी बोला जाता है और स्टडी ऑफ एम्फीबियंस को हरपेटोलॉजी बोला जाता है स्निक्स की स्टडी को सरपेंटोलॉजी बोला जाता है तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा नन ऑफ दीज़ नेक्स्ट है हमारे पास द स्टडी ऑफ ट्रेंड्स इन ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ ग्रोथ में जो ट्रेंड्स आ रहा है एंड द प्रोडक्शन ऑफ फ्यूचर डेवलपमेंट और उसके बेसिस पे हम फ्यूचर की डेवलपमेंट को प्रोडक्ट करते हैं उसको क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं डेमोग्राफी डेमोग्राफी उसको बोला जाता है एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं जब हम सिस्टमेटिक स्टडी करते हैं ह्यूमन लाइफ की इवोल्यूशन से रिलेटेड भी औरिजिन से रिलेटेड भी ठीक है हॉफ यू नो अबाउट जोग्राफी एंड सोशोलॉजी नेक्स्ट है एक्वा कल्चर एक्वाकल्चर डज नॉट इंक्लूड एक्वाकल्चर होता है जब हम पानी में कल्चर करते हैं प्रोन्स को भी हम पानी में ही करते हैं पाइसिस को भी करते हैं शेल फिश को भी करते हैं बट सिल्क कॉम को किसके ऊपर मलबेरी लीव्स के ऊपर शैतूत के पत्तों के ऊपर हम उसको ग्रो करते हैं कल्चर करते हैं फिर है ए प्रोडक्शन मेड बाय साइंटिस्ट बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन अगर हम ऑब्जर्वेशन के बेस पे प्रोडक्शन करेंगे देखो वर्ड यहाँ पे क्या है हिंट क्या है प्रोडक्शन तो प्रोडक्शन कर रहे हैं बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन जो भी हमें फीचर दिख रहे हैं उसके ऊपर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे हिपोथिस नेक्स्ट है ब्रांच ऑफ जूलोजी डीलिंग विद द स्टडी ऑफ फिशेज नॉन एज यहाँ पर नॉन आएगा अगर हम स्टडी ऑफ फ़िशिज़ की बात कर रहे हैं तो स्टडी ऑफ़ फ़िशिज़ क्या होती है इक्थोलॉजी हमने हरपेटोलॉजी को डिस्कस किया हरपेटोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ एम्फीबियंस एक्थोलॉजी क्या है स्टडी ऑफ़ फ़िश मेमेलोलॉजी क्या है एम्फिबियंस सॉरी एलिफेंट्स की स्टडीज़ एलिफेंट की स्टडी को मेमेलोलॉजी बोलते हैं और नीथोलॉजी तो, किसकी स्टडी होती है बर्ड की स्टडी होती है hmm. नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज एन इंटर डिसिप्लिनरी ब्रांच विच इज़ कंसर्न विद द एप्लीकेशन ऑफ तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या कंसिस्ट करती है केमिस्ट्री को कंसिस्ट करती है बट वो केमिस्ट्री किसकी अंडरस्टैंडिंग में होती है बायोलॉजिकल फिनोमिन की अंडरस्टैंडिंग में होती है तो ऑप्शन सेकेंड विल बी द करेक्ट आंसर वट इज़ द नेम ऑफ द बिग बुक रिटन बाय एरिस्टोटल एरिस्टोटल ने इनमें से कौन सी बुक लिखी है हम ऑप्शन को देखते हैं सबसे पहले यहाँ पे दी गई है टोरी नेचुरला नेचुरला जो स्टो ये हिस्टोरी नेचुरला जो बुक है ये लिखी गई थी जॉर्ज लुइस लैरिक के थ्रू और इनका नाम बहुत बड़ा है कॉमिक डी बफन स्टोरी नेचुरल लिखी गई थी जॉर्ज लुइस लैरिक कॉमेट डी बफन के थ्रू अब सिस्टम आ नेचरा हमने पता हमें पता है लिनियस के थ्रू लिखी गई थी जिन्होंने बायोनोमिकल नोमन दिया है जिन्होंने टेक्सोनॉमी दी है फिर और फिर यहाँ पे हिस्टोरिका एनिमेलिया आती है जो किसने दी है यहाँ पे एरिस्टोटल ने यहाँ पे जिसका जो बुक लिखी है फिस फिलोसफी फिलोसॉफी जोलॉजी क्यू ये बुक हमारी किसके ऊपर है इवोल्यूशन के ऊपर और ये किसने लिखी है लेमार्क ने लिखी है ये लेमार्क ने लिखी है ये एरिस्टोटल ने लिखी है और ये हमारी कैरोलस ने लिखी है और ये बुक हमारी जॉर्ज कॉमेट डी बफन ने लिखी है नेक्स्ट है द विच ब्रांच स्टडी अबाउट रिमेन्स ऑफ प्लांट लाइफ देखो हमने हमेशा पढ़ा है पेलेंटोलॉजी पेलेंटोलॉजी फोशल्स की स्टडी होती है बट पेलेंटोलॉजी अगर आ गया तो ये हमारा क्या है एनिमल्स के रिमेंस के बारे में स्टडी करता है बट अगर पेरेनो बोटन नहीं आ गया हमारा तो एक किसके बारे में स्टडी करता है प्लांट्स के बारे में स्टडी करता है तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन क्या होगा सेकेंड वन बायोमेट्री रिफर्स टू बायोमेट्रिक का मतलब क्या होता है जब हम लिविंग थिंग्स की मेजरमेंट करते हैं उनकी प्रोसेस की मेजरमेंट करते हैं जब उसको क्या बोला जाता है बायो मैट्री बोला जाता है जैसे हम फिंगर प्रिंट्स की स्टडी कर रहे हैं हमारे डीएनए की स्टडी कर रहे हैं ठीक है नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन ऑफ इमेच्योर एंड लार्वल स्टेजेस ऑफ एनिमल्स कोस्ट बाय द एसेलरेशन ऑफ मेच्योरेशन इज कॉल्ड देखो इसको बोला जाता है यहाँ पे ई आएगा पेडोजेनेसिस पेडोजेनेसिस हमारे न्योटैनी ही होती है एक्चुअल में क्या होता है कुछ लार्वाज में मोरफोलॉजिकल चेंजेस नहीं आ पाते किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी की वजह से जैसे अगर हम यहाँ पे एक्सोलोटल लार्वा की बात करते हैं एक्सोलोटल लार्वा की बात करते हैं एक्सोलोटल लार्वा किसका लार्वा होता है सालामेंडर का लार्वा होता है

मेच्योरिटी आ गई बट उसके मोर्फोलॉजिकल करेक्टर्स चेंज नहीं हुए तो इसको क्या बोलेंगे पैडोजेनेसिस बोलेंगे न्यू टेनिंग बोलेंगे Which of the following is defining characteristics of living organism? देखो यहाँ पे अलग अलग करेक्टर शो किए गए हैं फर्स्ट है ग्रोथ ग्रोथ हमें पता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म शो करते हैं प्लांट थ्रू आउट ऑफ देयर लाइफ ग्रो करते हैं और एनिमल्स भी हमारी सर्टेन एज तक ग्रो करते हैं बट हम बोले नॉन लिविंग थिंग्स की बात करें तो वो भी ग्रोथ करते हैं कैसे जैसे गारपेज की हीप होती है वो ग्रो करती है ठीक है बट इंटरनल ग्रोथ उनके अंदर नहीं हो पाती जैसे सेल ग्रो नहीं कर पाती मास में नंबर में ठीक है तो हम इसको डिफाइनिंग करेक्टर नहीं मान के चलते एबिलिटी टू मेक साउंड हमारी नॉन लिविंग थिंग्स भी अगर मैं बीट करूँ यहाँ पे एक शीट को या फोइल को जो किसकी होगी आयरन की होगी उसको एक हैमर के साथ अगर मैं बीट करूँ तो वो भी साउंड प्रोड्यूस करेगी एज वी नो कि मेटल्स जो होते हैं वो सोनोरस होती हैं साउंड प्रोड्यूसिंग होती हैं तो ये भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है रिप्रोडक्शन भी एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है हम एक चीज़ को तोड़ के क्योंकि बहुत बार क्या होता है डिविजन और जो रिप्रोडक्शन है वो हमारा क्या होता है दोनों ही इंक्लूसिव हमारे करेक्ट्रिस्टिक्स होते हैं बट जो रिस्पॉन्स है एक्सटर्नल स्टिमलाई के अगेंस्ट एक्सटर्नल स्टिमलस का मतलब है जो भी सराउंडिंग में चेंज हो रहा है चाहे वो दिन से रात हो रही हो या टेम्परेचर हो रहा हो केमिकल कोई कॉन्टैक्ट में आ रहा हो कोई भी चेंज जो हो रहा है इन्वायरमेंट में उसको स्टिमलस बोलते हैं उस स्टिमलस हमारा सिंगुलर है और स्टिमलाई हमारा प्लूरल है तो जो भी स्टिमलाई है हमारा सराउंडिंग में उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो करने की कैपेबिलिटी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म की होती है जिसको हम क्या बोलते हैं कॉन्शियसनेस बोलते हैं द बुक जेनेरा प्लांटारम वॉज रिटर्न बाय जेनेरा प्लांटारम जो बुक है वो किसने लिखी है बेंथमेंट हुकर ने लिखी है यहाँ पे नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु क्रिएटेड द ग्रुप प्रोटिस्टा फॉर बोथ यूनिसेलर प्लांट एंड एनिमल इज़ वो कौन है हेकल है अर्नेस्ट हेकल ने ये हमारा प्रोटिस्टा ग्रुप दिया था किसके लिए प्लांट के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी नेक्स्ट स्टडी ऑफ फ्लावर्स इज नोन एज यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं सबसे पहले हमारा आता है एंथोलॉजी तो एंथोलॉजी ही हमारा क्या होता है यहाँ पे स्टडी ऑफ फ्लावर्स होता है अदर ऑप्शन की बात करें तो फिनोलॉजी है फिनोलॉजी हमारा क्लाइमेट एंड बायोलॉजिकल फिनोमिना को डील करता है फिर आता है एग्रो एग्रिस्टोलॉजी मतलब ये हमारा सोइल से रिलेटेड होता है सोइल में हम कैसे कल्टिवेट करें बेसिकली एग्रीकल्चर से रिलेटेड पेलिनोलॉजी हमारा जो होता है वो पोलन ग्रीन और स्पोर्स के साथ डील करता है नेक्स्ट आता है स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड डेमिकोलॉजी बोला जाता है इसको नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ आइसोलेशन टू स्पीसीज लिविंग इन डिफरेंट है अलग अलग हैबिटेट में रह रही हैं और उनके बीच में इंटरब्रीडिंग नहीं हो रही मतलब वो दोनों एक दूसरे की जो स्पेस हैं और इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म हैं उनके साथ मीट नहीं कर रही हैं तो ऐसा कौन सा आइसोलेशन हो सकता है इकोलॉजिकल आइसोलेशन हो सकता है क्योंकि वो इकोलॉजिकली डिफरेंट हैबिटेट में प्रेजेंट है स्टडी ऑफ पीरियोडिकल चेंजेस इन प्लांट इन रिलेशन टू सीजनल चेंजेस चेंजेस इन रिलेशन टू सीजनल चेंजेस फिनोलॉजी इसको क्या बोला जाता है फिनोल बोला जाता है और फिनोलॉजी सीजनल चेंजेस जैसे मैंने बोला क्लाइमेट चेंजेस के साथ बायोलॉजिकल फ़िनोमिना को डील कर रही हैं मतलब प्लांट्स के अंदर बायोलॉजिकल फिनोमिना है उसके अंदर जो चेंज आ रहा है अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट चेंजेस मतलब कि सीजनल चेंजेस इसी को क्या बोला जाता है फिनोलॉजी बोला जाता है फाइकोलॉजी स्टडी ऑफ एलगी होता है फ़ोटो पीरियोडिज़म का मतलब होता है कि लाइट डे कितना है डे मतलब दिन के कितने घंटे बढ़ रहे हैं समर में विंटर्स में ठीक है ये फ़ोटो पीरियोडिज़म होता है कि सनलाइट कितनी देर रह रही है नेक्स्ट है स्टडी ऑफ स्नेक इज नोन एज हमने देख लिया कि स्टडी ऑफ स्नेक को सरप बोला जाता है एंटोमोलॉजी हमारे इंसेक्ट की स्टडी होती है इकथायोलॉजी हमारी स्टडी ऑफ़ फिशेज होती है हर पेटोलॉजी हमारी स्टडी ऑफ़ एम्फीबियंस होती है नेक्स्ट uh, है स्टेटमेंट है नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन वॉज गिवन बाय ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी है डॉग की ने ये स्टेटमेंट दी है नेक्स्ट हमारे पास है विलियम सॉरी हा, हा, विलियम हार्वे इज नोन फॉर द डिस्कवरी ऑफ

हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी में क्या करते हैं हम आइडेंटिकल टाइप्स की जो एंटीबॉडीज होती है मतलब सेम टाइप की जो एंटीबॉडीज होती है उनको लार्ज स्केल पे हम डेवलप करते हैं तो हाइब्रिडोमा जो टेक्नोलॉजी वो किसने दी थी मिल्स ट्रीन एंड कॉलर ने दी थी नाइनटीन में दी थी फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू मेथड ऑफ हाइड्रोपोनिक्स हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है हम सोइल के बिना एक न्यूट्रिएंट मीडियम में वाटर कंडीशंस में यानी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं ठीक है ये सबसे पहले किसने किया था ये किया था जूलियस बोनस सेक्स ने जूलियस बोन सेक्स ने किया था सिक्सटीन सेवेंटी थ्री में ठीक है नेक्स्ट हमारे पास आता है नेम द साइंटिस्ट हु अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर जेनेटिक स्टडीज ऑन द लीनियर अरेंजमेंट ऑफ जीन्स लीनियरली जीन्स कैसे अरेंज हैं किसके ऊपर क्रोमोजोम्स के अंदर इन द फ्रूट फ्लाइड्रोसो फिलहाल मेलानो गेस्टर में लीनियर अरेंजमेंट के बेसिस पे ही ये बताया जाता है कि कोई जीन्स सेम साथ में पास होगा नेक्स्ट जनरेशन में या नहीं होगा इसको बोलते हैं लिंक्ड जीन मतलब जितने क्लोजली लाइक like करते हैं वो साथ में पास होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं जो डिस्टिंक्टली लाइक like करते हैं उनके साथ में पास होने के चांसेस कम होते हैं तो जो ये लिंकेज का कंसेप्ट है ये किसने दिया था टी एच मोर्गन ने दिया था नेक्स्ट है द साइंटिस्ट हु कट द टेल ऑफ माउस इन मैनी जनरेशन बट फाउंड इट इज़ नॉट इनहेरिटेड इसको जम प्लाज्म थ्योरी भी बोला जाता है और ये किसने दी थी ऑगस्ट वाइज मैन ने ऑगस्ट वाइजमैन ने दी थी जम प्लाज्म थ्योरी नेक्स्ट है स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइट्स इज कॉल्ड कॉल्डी क्या है स्टडी ऑफ टिक्स एंड माइस कार्सिनोलॉजी स्टडी ऑफ कैंसर से रिलेटेड एंटोमोलॉजी हमें पता है इंसेक्ट से रिलेटेड होती है वो रोट द बुक जेनेटिक्स एंड ओरिजन ऑफ स्पीसीज ओरिजन ऑफ स्पीसीज बुक हमारी डॉब्स हेंसकी ने लिखी है थियोफ्रास्टस डॉब्स हेंसकी ने नेक्स्ट आता है एनाबोलिज्म एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म आर टू प्रोसेस ऑफ मेटाबोलिज्म एनाबोलिज्म में क्या होता है कोई भी चीज़ फॉर्म होती है फॉर्म होने के लिए उसको क्या चाहिए एनर्जी चाहिए एनर्जी कब मिलेगी जब एंडरगोनिक प्रोसेस हो गई ठीक है जी एनर्जी टेकिंग प्रोसेस है एनाबोलिज्म जिसमें हम किसी आ, प्रोटीन को फॉर्म करते हैं कार्बोहाइड्रेट को फॉर्म करते हैं जो हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होता है तो एनाबोलिज्म हमारी एंडरगोनिक प्रोसेस है मैन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ क्योर दैन फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम क्या होती है देखो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तब होती है जब हाई एनर्जी चेंजेस लोअर एनर्जी चेंजेस में जाते हैं मतलब एनर्जी स्टेज को स्टेबल होना पड़ता है स्टेडी स्टेट में आना पड़ता है तो स्टेबल होने के लिए वो लोअर एनर्जी स्टेट में आएगी तो यहाँ पे एनर्जी क्या होगी डिक्रीज होगी ऑर्गेनिज्म डिस्प्ले प्रॉपर्टीज़ वो बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग वो क्या होते हैं वायरसेस अगर वो बॉडी से बाहर हैं तो वो नॉन लिविंग है और वो बॉडी के अंदर है तो वो लिविंग है डायटम्स हमारे लिविंग होते हैं लाइकेंस भी हमारे लिविंग होते हैं बैक्टीरिया भी नेक्स्ट ए मोलिक्यूल इज रिड्यूस्ड मीन्स इट देखो एक होता है ऑक्सीडेशन जिसमें हम बोलते हैं ऑक्सीडाइज हो गया ठीक है एक होता है रिडक्शन जिसमें हम बोलते हैं रिड्यूस्ड हो गया हमें पता है ऑक्सीजन हमारे इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करती है तो जो भी इलेक्ट्रॉन्स को लेगा वो क्या होगा वो क्या होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा बट यहाँ पे ऑक्सीजन दे रही है तो मतलब ऑक्सीजन का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ठीक है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है और अगर हम यहाँ पे रिड्यूस्ड की बात करें तो रिड्यूस कौन हो रहा है जो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहा है ए एनिमल्स स्पेंडिंग विंटर इन डोरमेंट कंडीशन इज रिफर्ड एज एनिमल्स जैसे आपने पोलर बियर को देखा होगा वो विंटर स्टेट में क्या करते हैं वो जो बर्फ होती है आइस होती है उसके नीचे चले जाते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं हाइबरनेशन ऐसे ही समर में जो हमारे स्नेक्स होते हैं और हमारे एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग वगैरह होते हैं वो हमारे मिट्टी के नीचे छिप जाते हैं जिसको एस्टिवेशन बोलते हैं मिमिक्री होता है हम कलर कॉपी कर लें किसी ऑर्गेनिज्म का ताकि हम हम शिकार भी कर सकें और हम अपने आप को प्रिवेंट वो कर सके प्रोटेक्ट कर सके को कैमोफ्लेस का मतलब ये है पत्ते वत्ते के कलर में उसी की तरह कलर करके जैसे हमारा

एक कंसेप्ट है जो सिर्फ किस में मिलता है लिविंग बीग्स में मिलता है कि जो भी इन्वायरमेंट में हो रहा है उसके अगेंस्ट वो रिस्पॉन्स शो करें उसी का परसेप्शन और उनके अंदर उस चीज़ की मेमोरी रह जाती है ठीक है ये सिर्फ और सिर्फ किस में मिलता है लिविंग बींग्स में मिलता है इसीलिए इसको एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं अक्यूमलेन ऑफ मास ये तो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स में भी होता है जैसे गारबेज की हीप हो गई आइसोलेटिक मेटाबॉलिक रिएक्शन होकर इन विट्रो नहीं आइसोलेटेड मेटाबोलिक रिएक्शन होके विट्रो ये कोई एक्सक्लूसिव इवेंट नहीं है ठीक है क्योंकि हम जैसे अमाइनो एसिड प्रोटीन को भी हम बना सकते हैं मेटाबॉलिक प्रोसेस परफॉर्म करके रिएक्शन परफॉर्म करके लेबोरेटरी में सम प्लांट्स हैविंग प्लेजेंट ऑर्डर एंड अट्रैक्टिव कलर क्यों होता है बहुत सारे फ्रेग्रेंस होती है जैसे फ्लावर्स के अंदर और उनके कलर बहुत अच्छे अच्छे होते हैं किस लिए होते हैं ताकि पोलिनेशन तो हो सके तो पोलिनेशन किसके थ्रू होगा वहाँ पर इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो इंसेक्ट्स के थ्रू पोलिनेशन को हम एंटी एंटोमोफाइली बोलते हैं ठीक है ऐसी ऐसी तरह एनिमोफाइली हमारा बर्ड्स से रिलेटेड हाइड्रोफाइली

जैसे हम सेल्वोल की बात करें तो हमारे यहाँ पर सेल्वोल में आ, जो हमारी फंगस है फंगस के अंदर काइटीन प्रोटीन होता है बट हमारे अंदर नहीं होता तो देर इज़ अ वेरिएशन इन टाइप ऑफ प्रोटीन बट ट्रिपलेट कोड होते हैं एसिड के लिए मतलब तीन हमारे जो नाइट्रोजेनियस बेसिस हैं वो क्या करते हैं एक एसिड को कोड करते हैं और ये कॉमन है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में एनर्जी हाई फोस्फेट बॉन्ड में स्टोर होती है ये भी हमारा क्या है ए की फॉर्म में स्टोर होती है ये भी हमारा क्या है कॉमन है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में राइबोसोम हमारी प्रोटीन फैक्ट्री होती है जहाँ पे प्रोटीन्स हमारा फॉर्मेशन होती है चाहे वो प्लांट की बात करें चाहे फिर हम एनिमल एनिमल्स की बात करें तो ये तीनों जो पॉइंट हैं वो कॉमन होते हैं सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में पर जो टाइप ऑफ प्रोटीन है वो वेरी करता है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट होती है किसके साथ सब माइक्रोस्कोपिक मोलिकुलर लेवल से स्टार्ट होती है जहाँ पे हम सिर्फ प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं फिर उसके बाद सेल आते हैं फिर उसके बाद मल्टी आता है फिर उसके बाद ऑर्गन बनते हैं टिश्यू बनते हैं ठीक है ऑफ कॉज ऑफ मिमिक्री का मतलब प्रोटेक्शन भी करेंगे अटैक भी करेंगे आइसोलेशन का मतलब नहीं है इसमें हम प्रोटेक्ट करते हैं और अटैक करने के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पे भी हम मिमिक्री करते हैं तो बोथ ए एंड सी द प्रोसेस इन विच एक्सेस एनर्जी इज लोस्ड बाय लाइट वेव एक्सेस एनर्जी अगर लाइट वेव्स के थ्रू क्या करी जा रही है क्या लूज करी जा रही है तो उसको क्या बोलेंगे लाइट वेव्स है तो फ्लोरी बोलेंगे फोटोलाइसिस का मतलब होता है ये हमारा बेसिकली फोटोसिंथेसिस के टाइम पर होता है जब लाइट की वजह से वाटर स्प्लिट हो जाता है अपने आयंस में ठीक मतलब में, है फोटो ऑक्सीडेशन का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही है फोटोफोस्फोरेशन का मतलब है लाइट की प्रेजेंस में एटीपी की फॉर्मेशन हो रही है नेक्स्ट है द एनर्जी फॉर्मेशन इन द नर्वस सिस्टम इज नर्वस सिस्टम में जो एनर्जी फॉर्मेशन है वो क्या होती है नर्वस सिस्टम में केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्मेशन होती है यहाँ पे क्या होता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स बनती है नर्व्स नर्व्स के अंदर नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल फेवरेबल कंडीशन डिस्पाइट चेंजेस इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इन्वायरमेंट में टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो हमारी बॉडी का टेम्परेचर थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ही रहता है ऐसे ही सराउंडिंग में कितना भी हमारी हीट वो टेम्परेचर हो गया जैसे सोल्ट कंडीशन हो या फिर हमारा पीएच लेवल हो पर हमारा पीएच हमारी बॉडी का सेम रहेगा ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं होम्योस्टेसिस बोलते हैं नेक्स्ट है द ब्रांच ऑफ बोर्ड कंसर्न विद क्लाफिकेशन क्लासिफिकेशन क्लेचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि नोमन क्लेचर भी करेंगे क्लासिफिकेशन भी करेंगे और हम उसका आइडेंटिफिकेशन भी करेंगे तो ये सिस्टमैटिक्स में हम स्टडी करते हैं सिस्टमैटिकोटनिंग में हम इसको स्टडी करते हैं और दूसरी बात करें यहाँ पे इकोलॉजी हमारी किससे डील करती है इन्वायरमेंट से रिलेटेड होती है मॉर्फोलॉजी हमारे जो एक्सटर्नल फीचर्स होते हैं ऑब्जर्व करने वाले जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में डील करती है फिजोलॉजी हमारे टिश्यूज वगैरह के बारे में डील करती है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एक्सनॉमिक एड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एलिमेंट बेस्ड ऑन सिमिलरिटी एंड डिफरेंस सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस जैसे फॉर एग्जांपल अब विंग्स की बात करें तो विंग्स किस में प्रेजेंट है बर्ड्स में प्रेजेंट है एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं है तो इस तरह सिमिलरिटी और डिफरेंसेस के बेस पे चॉइसेस क्रिएट की जाती हैं और तब प्लांट और एनिमल का क्लासिफिकेशन किया जाता है तो ये किस में किया जाता है कीज़ के थ्रू किया जाता है जिसमें इंटेंडेड की और बेकेटेड की होती हैं